हज़ार वोटों से हमारी हार हुई, बांकीपुर में बहुत कम मार्जिन से हार हुई, ये हमारे कार्यकर्ताओं की देन है। 24 की क्या तैयारी रहेगी आपकी? 24 इलेक्शन सर पे है, बीजेपी लगातार हमलावर हो चुका है। बीजेपी जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री एक शर्मनाक तरीके से संविधान को ताक पर रख के आपको विस्टा को उद्घाटन करने का निर्णय लिया है, और पूरे विपक्षी हमारे देश के विपक्षी दल जिस तरह विरोध पर उतर चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को जरा भगवान सद्बुद्धि दे। भगवान के पुजारी हैं, भोले बाबा के पुजारी हैं, और गुजरात की धरती से आते हैं। जिस गुजरात से महात्मा गांधी पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, उसी धरती को शर्मसार करने जा रहे हैं। जिस तरीके से ज़बरदस्ती हमारे देश के राष्ट्रपति से जिस को उद्घाटन कराना चाहिए था, वो अपना सिर्फ फोटो चेहरा चमकाने के लिए जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन के लिए जीत पड़ रहे हुए हैं, इससे पूरा देश में गुजरात सबसे ज़्यादा शर्मसार होने जा रहा है। इसलिए इस बहुत से बिंदु हैं, 2024 के लिए हम यथावत तैयारी करते रहे हैं, और अभी हम वार्ड बूथ तक की तैयारी कर चुके हैं। अब हम चाहेंगे कि हर बूथ पर एक कमेटी बनाकर, हर बूथ पर 15-20 लोगों की एक कमेटी हो, उसकी तैयारी आने 6 महीना में हम तैयारी कर लेंगे। और फिलहाल 10-15 दिन के अंदर हर प्रखंड में, 7, कहीं 9 आपको वार्ड है, तो पूरी कमेटी तैयार करने का आपने लेखा जोखा तैयार कर चुकी? पूरी कमेटी ऑलरेडी मेरी पहले से बनी हुई है, इस पर रिशफलिंग करेंगे। बहुत से हमारे जिला के लोग प्रदेश में जाएंगे, कम से कम 5 प्रदेश। दोबारा शशि रंजन जी को महानगर के अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? अपने कर्तव्य जुझारूपन पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में शशि जी ने जो पहचान बनाई है, और अपने कार्यकाल में पार्टी को मजबूती देने का, पार्टी कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया, उसी का फल कि इन्हें पुनः महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। मेरा शुभकामना है, बधाई है, छोटे भाई होने के नाते उन्हें आशीर्वाद भी है कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें, पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उन्होंने एक सूत्र में बांधा है, आगे भी वे इसी दिशा में अपना कार्य करते रहेंगे। आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का है, और उन जैसे जुझारू, शशि जी जैसे जुझारू कार्यकर्ताओं का कल है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। शशि रंजन जी को दोबारा महानगर अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये पटना महानगर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है, जो हम लोग ने अपने पटना जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ से दिल्ली तक जाने का कार्यक्रम, 500 आदमी के साथ दिल्ली तक जाने का कार्यक्रम, कम से कम 500 आदमी के साथ बांका में जो भारत जोड़ो, बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का जो शुरुआत हुआ, उसको संपन्न करने के लिए जो हम अपने पटना महानगर अध्यक्ष श्री शशि रंजन बाबू के निर्देश पर कम से कम 500 लोग हम लोग बाबा धाम गए, बांका गए, और ये सब चीज़ें जो जनता की सेवा हो रही है, जो पटना महानगर निगम कर रहा है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश बाबू सब लोग की निगरानी में है। यहाँ से लेकर AICC तक पूरे भारत में, पूरे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश तक रहने का परिणाम है कि हमारे अध्यक्ष पुनः चुने गए। इसके लिए जी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामना हम ये देना चाहेंगे कि हम भी पटना में प्रखंड अध्यक्ष हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इनका दिशा निर्देश मिलते रहना चाहिए, जिससे सभी कार्यकर्ता बराबरी का भाव महसूस करें। ठीक है, हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक बराबरी का भाव हम लोगों के बीच में होना चाहिए, और यहाँ है। आप विश्वास मानिए, कम से कम 2.5-3 साल से जो मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने बराबरी का भाव देखा है। मैंने जब चाहे अपने अध्यक्ष महोदय से, अपने प्रखंड अध्यक्ष महोदय से, और कई लोगों को 2 घंटा पहले फ़ोन करने पर भी उपस्थित रहते हैं। ये पटना महानगर का एक बहुत बड़ी सफलता है, और इसी सफलता का परिणाम है कि पूरे बिहार में 40 जिला में सिर्फ 5 जिलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए गए, और उसमें एक हमारे सबसे सम्माननीय नेता श्री शशि रंजन यादव जी हैं।
मेरी शुभकामना रहेगी कि आगे वो सांसद और विधायक भी आगे आए और पटना महानगर को निर्देश देते परिषद। मेरा नाम इंजीनियर गोपाल कृष्ण हुआ, मैं पटना महानगर में पिरबहोर प्रखंड अध्यक्ष हूँ। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने शशि रंजन जी जो कि एक डायनेमिक कांग्रेस मैन है टू द कोर, पूरी तरीके से कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के कार्यक्रमों, कांग्रेस के विचारधारा से और कांग्रेस की सोच से लैस है, उनको पुनः अध्यक्ष बनाए जाने पर मेरी शुभकामना है और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस और भी जमीन पर ताकतवर होकर जुझारू रूप से जनोपयोगी और जनोन्मुखी कार्यक्रम को प्रसाद बनाती चाहिए। मेरा नाम निशांत कर पटने, मैं मुख्य प्रवक्ता पटना महानगर। शशि रंजन जी कैसे बधाई देना चाहेंगे? दूसरी बार शशि रंजन यादव जी पटना के अध्यक्ष बने, इसके लिए उनको बहुत धैर्य से धन्यवाद देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया कि पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। जिस तरह पिछले कमेटी में उन्होंने जोरदार तरीके से सड़क से लेकर सदन तक, सड़क से लेकर हर मोर्चे तक इन्होंने अपना काम मजबूती से किया, फिर इन्हें करेंगे। इनके साथ मेरा बहुत बधाई। क्या नाम? विशाल यादव।